Hello, Dosto. Welcome to Trust with Law. We all made a Trust with Law sometime in our lives, and that's why we are here. Dosto, let's start with our first case in IPR 2, and it will be a patent case Beer Corporation versus Union of India. This case deals with compulsory licensing. Dosto, brief facts of the case are this. तो बियर कॉरपोरेशन हैड बाय द नेम ऑफ नेक्सावर जिसका सॉल्ट था सोराफेनिप टोसीड तो इट वाज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग किडनी एंड लंग कैंसर अब इट वाज प्राइज्ड अराउंड 2.8 लाख एक मंथ का जो ट्रीटमेंट के कॉस्ट है विच इज कॉस्ट प्रोहिबिटिव तो नाटको विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद इट अप्लाइड फॉर वॉल्ट्री लाइसेंस विच वॉज डिसमिस्ड विच वॉज नॉट पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड बाई बियर तो नाटको हैज सॉट कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर द ड्रग कि मैं इसकी जेनरी कॉपी बनाऊंगा और आई सेल इट फॉर एट थाउजेंड एट हंड्रेड फॉर अंथ कॉस्ट अब इसमें कंटेंशन क्या थे वो देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों सेक्शन एट्टी फोर ऑफ़ द इंडियन ऑफ द पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी विद कंपल्सरी लाइसेंसिंग तो उसके एट्टी फोर सेक्शन वन में तीन कंडीशन दी हुई हैं सबसे पहला कंडीशन है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक इज नॉट बींग मेट सेकेंड इज कि इट द ड्रग इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस एंड द थर्ड इज द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन इंडिया इन तीनों में से कोई भी इट्स एन और कोई भी फुलफिल हो जाए उसको मिलेगा बट द थिंग इज यहां पर नाटको uh, यह कहती है इनफैक्ट इट्स यूनियन ऑफ इंडिया केस कि नाटको यह कहती है uh, कि तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हुआ ये था कि अंडरग्राउंड नाटको गई कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास और उससे उसको आ, मिल गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग फिर बेयर गया अपील के पास ट्राइब्यूनल के पास ट्राइब्यूनल ने अपहोल्ड किया आ, कंट्रोलर का ऑर्डर और उसके बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट आया बॉम्बे कोर्ट ने भी अप्रूव किया कि हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में इट वॉज अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया क्योंकि बॉम्बे कोर्ट में तो आप रेड के तौर पे जाते हो तो रेड के लिए आपको एक पार्टी तो द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट पार्टी वॉज यूनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद बेयर फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब उसको मुंह की खानी पड़ी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बट सुप्रीम कोर्ट डिसमिस दिस एस एल पी तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट हम पढ़ रहे हैं तो दोस्तों अभी हमने सेक्शन एटी फोर के सेक्शन को देखा अब दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि हम इन तीनों के मतलब को देखेंगे थ्रू थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो अब यहाँ पर एक और बात यह है कि सेक्शन जो 847 है 84 फोर का सबसेक्शन 7, वो बोलता है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक कब नहीं मीट की जाएगी उसके लिए उसमें प्रोविज़न एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट किया गया है फिक्शन या नहीं बल इट्स डीम प्रोविज़न तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि सपोज़ वो एडिकुएटली मैन्युफैक्चर ना हो रहा हो या उसके लिए दूसरा पॉइंट उसका इस तरह की कंडीशन है जो कि अगर सेटिस्फाई होंगी तो फिर आपको समझ लिया जाएगा रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक आर नॉट बींग मेट उसके बाद कन्फ्यूजन वर्कड पे आती है तो इनका ये कंटेंशन था जो हम इन कोर्स देखेंगे कि सेक्शन 90 जो पहले था वो मिट वो रिमूव हो गया है तो उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती थी लेकिन वो हट गया है तो इनका कहना था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पेटेंट टू बी वर्कड इन इंडिया ऑन दी अदर एन नाटको ने कहा कि नहीं नहीं ये ज़रूरत है और सेक्शन 83 थ्री ऑफ द पेटेंट एक्ट विद द जनरल प्रिंसिपल्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे टू से पेटेंट इज वर्कड इन इंडिया ऑर नो तो इन सबको हम अभी इन कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन हम देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहला इशू यहाँ पर यह है कि क्या नाटकों ने एफर्ट लिया था वॉल्ट्री लाइसेंसिंग का तो इसका आंसर बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि हाँ उसने कोशिश की थी बेयर ने नहीं दिया ऑल दो बियर ने जो फाइनल लेटर लिखा था उसमें बोला था कि द नाटको इज फ्री टू अप्रोच इट इफ इट हैजू एड एनी थिंग लेकिन इट वॉज लाइक एन इल्यूजरी टाइप ऑफ थिंग उसको अभी भी देने का मन नहीं है तो फर्स्ट इशू इन फेवर ऑफ नाटको सेकेंड क्या रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक इज मेट और नो तो कोर्ट रिफर्स टू कि हाँ एटी फोर सेवन में डीमिंग प्रोविजन uh, है तो एटी फोर सेवन के अगर प्रोविजन सेटिस्फाई होंगे तो हाँ माना जाएगा हाँ दे आर नॉट बींग मेट दूसरी बात कोर्ट ये कहती है कि द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इन फेवर ऑफ सो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो इज़ इन फेवर ऑफ नाटको क्यों क्योंकि बैलेंस ऑफ प्रूफ फर्स्ट है नाटको के पास कि वो uh, एक प्राइमा फेस सेटिस्फाई करे उसके बाद अगर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर जो बेयर है उसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दे आर बींग मेड और ये हम किस क्राइटेरिया पे देखेंगे तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं क्या मंथली सप्लाई है एंड बाय ओन डेटा जो फॉर्म 27 में आपको देना पड़ता है हर ईयरली कंट्रोलर के पास फाइल करना पड़ता है कि कितने पेशेंट हैं कितना मैं दे रहा हूँ तो बाई ओन डेटा ऑफ बेयर लगभग इंडिया में फोर प्लस पेशेंट है और जबकि सिर्फ फाइव समथिंग वो मेडिसिन uh, uh, देता है तो इसका मतलब रीजनेबल रिक्वायरमेंट आर नॉट बींग बेड एक और अब अगला इशू ये आता है कि इंफ्रिंजर जो है इस केस में इन्फ्रिंजमेंट आती थी उसके उससे सिप्ला तो एक इंफ्रिंजर था और उसने सूट भी फाइल कर रखा था बियर ने तो क्वेश्चन ये है कि इंफ्रिंजर से जितनी सप्लाई आ रही है क्या उसको काउंट करेंगे रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक को देखने के लिए तो कोर्ट कहता है कि इट इज़ अनसर्टेन हो सकता है आज इन्फ्रिंजर से सप्लाई आ रही है कल को आप इंजंक्शन ले लिए तो सप्लाई बंद हो जाएगी तो दैट कैनॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन ऑल दो यहाँ पे बी ने किसी यू एस की यूनिवर्सिटी या यू एस के किसी जर्नल को रेफ़र किया था बट कोर्ट सेट के इंडिया में वी आर बाउंड बाई द आवर पेटेंटाट जहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं और हमें उसके लिए नहीं ज़रूरत रीजनेबल रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको नहीं कंसिडर नहीं करेंगे अब चौथा कंडीशन चौथा इशू ये आता है कि क्या रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है तो सबसे पहली बता तो प्राइमा फेस ही आप ये बोलिए कि बेयर इसको 2.8 लाख पर मंथ का कॉस्ट है जबकि नाटको इसको 8,800 पे ही दे रही है तो ऑब्वियसली रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस तो 8,800 थाउजेंड एट हंड्रेड है लेकिन दोस्तों मिसिंग अ पॉइंट जो कि बेयर ने आर्ग्यू किया बेयर ने रिसर्च किया और नाटकों को तो सिर्फ कॉपी बनानी है और रिसर्च में इट्स नॉट जस्ट द रिसर्च फॉर द ड्रग बट द रिसर्च फॉर फील्ड ड्रग्स और फील्ड इन्वेंशन ऑल्सो तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा ना आपको दिखाना पड़ेगा कितने पैसे आपको आर एन में लगे वो कितना रिटर्न आया है ईयरली आप बैलेंस शीट दीजिए लेकिन बी ने बैलेंस शीट देने से मना कर दिया तो कोर्ट कहता है कि इसलिए तो अब आपके अगेंस्ट एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ हो ही होगा ही आप बैलेंस शीट नहीं दे रहे हो तो सेकेंड थिंगज़ कि ये जो किडनी और लिवर कैंसर था ये वाला पर्टिकुलर इसको यू में नंबर ऑफ पेशेंट पी टी लो तो इसके एक ऑर्फन ड्रग डिक्लेयर कर दिया गया और यूएस की पॉलिसी है कि ऑर्फन ड्रग के लिए फिफ्टी परसेंट रिसर्च कॉस्ट गवर्नमेंट रिमबर्स कर देती है तो यहाँ पर नाटकों का ये भी क्लेम था कि जितना इसका आर एन डी कॉस्ट था वो एक साल में इसने रिकवर कर लिया है उसके बाद दोस्तों इसमें एक और रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आया एक इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए पी ए पी तो उसमें ये कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स को आ, फ्री लिया या बहुत ही कम प्राइस पर नॉमिनल प्राइस पर दे रहे थे बट द कोर्ट्स इज की यहाँ पर क्या है रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस टू द पब्लिक पब्लिक मतलब टू ऑल दीपल हु नीड दिस मेडिसिन ऐसा नहीं कि हम बट द करेंट पी ए पी रिजीम जो है इट्स बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी बेयर एंड द डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है तो ऐसा और कोर्ट और बेयर ने खुद अपने आ, आ, प्रीडिंग्स में कही कि इट्स काइंड ऑफ चैरिटी बट चैरिटी नहीं यहाँ पर तो राइट की बात है कि हाँ भाई मुझे मिलना चाहिए उसके बाद कोर्ट फाइनली एक और बात कहता है कि पी ए पी इज़ काइंड ऑफ डूअल प्राइसिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को कम दाम पे मिल रहा है बाकी लोगों को टू पॉइंट एट लाख में मिल रहा है तो डूअल प्राइसिंग कोर्ट कहता है डिफरेंशियल प्राइसिंग इज ओके इंडिया में खुद होता है फॉर ई डब्ल्यू एस इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ चीज़ें कम दाम पर मिलती हैं बट दैट क्राइटेरिया इज़ टू डिसाइड कि वेदर द रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक आर बींग मेड तो आप पी ए पी का सहारा लेकर ये कह सकते हो कि भाई रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक आर बींग मेड लेकिन रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस टू द पब्लिक मतलब सबको मिलना चाहिए इसके लिए आपको पीएपी कोई मदद नहीं कर सकती है सिक्स पॉइंट यहां पे आता है जो कि मेन क्वेश्चन है यहां पर कि वेदर देटेंटेड इनवेंशन वॉज वर्क इन द टेरिटरी ऑफ तो दोस्तों तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अबाउट सेक्शन एटी अगर आप पढ़ेंगे और इस पर मैं एक थोड़ी वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगा सेक्शन एटी थ्री एट्टी फोर एटी सेवन तो उसके जनरल प्रिंसिपल्स को देख कर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैनुफैक्चरिंग पॉसिबल हो तो मैनुफैक्चरिंग होना चाहिए बट इफ़ मैनुफैक्चरिंग इज़ नॉट पॉसिबल तो इम्पोर्ट से भी वर्कड इन इंडिया हो सकता है बट यू हैव टू शो कि मैनुफैक्चरिंग इज़ नॉट पॉसिबल तो इस केस में कोर्सिस की मैनुफैक्चरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ वर्कड इन इंडिया देन कोर्ट सेज़ कि हाँ नव यू कम टू सेक्शन एटी सेवन कि वेदर यहाँ पर द रिक्वायरमेंट कि फॉलो हुए थे तो कोर्ट से हाँ यहाँ फॉलो हुए थे बिकॉज द कंट्रोलर पब्लिश द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग इनफैक्ट उससे पहले प्रोपोजिशन कि हाँ नैट को इज सी कम्पल्सरी लाइसेंसिंग एट एटी एट हंड्रेड पर मंथ अपोजिशन फिर हियरिंग ग्रांट की तो द प्रोसीजर वॉज फॉलोड एंड देन फाइनली कोर्ट से कि टर्म्स एंड कंडीशन भी अलाउ uh, हुए थे सेक्शन 90 में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं यहाँ पे 6 परसेंट रॉयल्टी दी थी कंट्रोलर ने ट्राइब्यूनल ने उसको बढ़ाकर 7 परसेंट कर दिया एंड नाउ द ओनर्स इज ऑन दिस कंपनी बेयर टू शो कि हाउ इट इज़ इन लेकिन उसने तो अपनी बैलेंस शीट दिखाई ही नहीं तो कुछ उसने एविडेंस लीड किया ही नहीं तो uh, तो uh, ये सब कहते हुए कोर्ट ने ये कहा कि द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज वैलिड एंड ओके तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा दिस इज़ अ लैंडमार्क केस ऑन कंपल्सरी लाइसेंसिंग और ये फर्स्ट केस था uh, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ टिल देन लेट्स कंटिन्यू विथ विथ लॉ एंड बाय